आपका स्वागत है फूड कुट्योर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कच्चे आम का शरबत, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाता है। अभी गर्मी की सीजन चालू हो गई है और कच्चे आम का भी सीजन है, तो इसी में से बनाएंगे आम का शरबत। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। आम का शरबत भी बोल सकते हैं या आप आम का जूस भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो छोटी साइज के कच्चे आम लिए हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के मुझे दो कच्चे आम चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके छिलके निकाल देंगे। दोनों आम के मैं छिलके निकाल देती हूँ। आम आप कोई भी ले सकते हैं, थोड़ा खट्टा आम वो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप थोड़ा खट्टा टाइप का आम ले। जो तोता आम आता है वो नहीं लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है। अभी तो आम की सीज़न है तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा। तो ऐसे मैं दो आम ले रही हूँ और ये हमारे फार्म का ऑर्गेनिक आम है, इसी से मैं आज शरबत बनाऊँगी। ग्रीन पार्ट है वो निकाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसके छिलके निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। इसकी जो गुठली है वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी गुठली निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसे चॉप कर लेते हैं। ये जो शरबत बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ग्रीन चिली और इसे भी हम चॉप कर लेते हैं। और ये जो चिली है वो बिल्कुल तीखा वाला चिली नहीं है। अगर आपके पास तीखा वाला चिली हो तो थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा ही डालें। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ इसमें पुदीने के पत्ते। तो यहाँ पे मैंने 12-15 पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे भी मैं चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मिक्सर जार और इसमें मैं डाल देती हूँ पुदीने के पत्ते जो हमने चॉप करके रखा है, ग्रीन चिल्ली, और हमने जो आम लिया था वो भी हम डाल देते हैं। और इसी के साथ में इसमें ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हल्का सा नींबू का रस 2 टीस्पून जितना, 1 टीस्पून चाट मसाला, चीनी। चीनी का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी 3/4 कप। अब हम इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कप पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ठंडा पानी ले रही हूँ। वापस हम इसे एक बार चर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप एकदम ठंडा पानी। यहाँ पे मैं आइस वाटर ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे सर्व कर लेते हैं। तो ग्लास में डाल देते हैं आइस क्यूब। अब हम इसमें डाल देते हैं आम का शरबत। इसके ऊपर रख देते हैं बारीक कटा हुआ पुदीना। तो कच्चे आम का शरबत हमारा रेडी है। अभी हमने इसमें चीनी यूज़ किया है, आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं, आप गुड़ की जगह हनी भी ले सकते हैं। तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। टेस्टी और रिफ्रेशिंग आम का शरबत रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड कुट्योर बाय जूनियर शेफ़, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।